हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओशन करेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन के साथ। ओशन करंट होता क्या है? अ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं ओशन करंट्स। ये जब ओशन करंट्स मूव होती हैं तो एक ये रिवर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। जिस भी डायरेक्शन में मूव होती हैं तो ये रिवर की तरह ये नज़र आती हैं देखने में, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इनके टाइप्स देख लेते हैं। ओशन करंट्स के टू टाइप्स होते हैं, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। जो वार्म करंट्स होती हैं, जो अपर लेयर ऑफ ओशन होती हैं, वो वार्म करंट्स होती हैं। ये लेस डेंस होती हैं एंड ये अपर सर्फेस ऑफ ओशन में पाई जाती हैं। और कोल्ड करंट्स में देख लेते हैं। कोल्ड करंट्स एज़ कम्पेयर टू वार्म करंट्स, ये ठंडी होती हैं तो ये डेंस होती हैं और ये डीप वाटर में पाई जाती हैं। अब इनका मूवमेंट देख लेते हैं। वार्म करंट्स का जो मूवमेंट होता है वो इक्वेटर टू पोल होता है। जब हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं, जो इक्वेटर के आसपास का रीजन होता है वो हमारा होता है ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर के पास जब सनलाइट स्ट्रेट आती हैं तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मी होने की वजह से, सनलाइट स्ट्रेट आने की वजह से, वहाँ का जो ओशन का पानी होता है वो बहुत गर्म होता है। तो इसलिए इक्वेटर के पास वार्म करंट्स ज़्यादा पाई जाती हैं और इनका जो मूवमेंट होता है जब ये फ्लो करती हैं तो ये पोल की तरफ फ्लो करती हैं। कोल्ड करंट्स में ऑपोजिट होता है। तो पोलर रीजन में वहाँ से जो पानी आता है वो ठंडा होता है, तो इनका जो मूवमेंट होता है वो इक्वेटर की तरफ होता है। मतलब ये पोल से निकलती हैं ये करंट्स और ये इक्वेटर की तरफ बहना स्टार्ट करती हैं। और इस पूरे मूवमेंट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये वाटर के ओशन के सरफेस पे ही ये हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो अब इनको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है सिर्फ समझाने के पर्पज़ से। ये हम देखेंगे कि कोल्ड करेंट्स कहाँ फ्लो होती हैं, वार्म करेंट्स कहाँ फ्लो होती हैं। हमने इक्वेटर की बात की थी, ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में ये होती हैं नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट्स और ये होती हैं सदर्न इक्वेटोरियल करंट्स। ट्रेड विंड्स का फ्लो होता है ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए इनका मूवमेंट भी इस तरह, इस डायरेक्शन में दिखाया गया है, ईस्ट टू वेस्ट। इधर होती हैं नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट्स, इधर होती हैं सदर्न इक्वेटोरियल करंट्स। अब इनको हम कॉन्टेंट वाइज समझ लेते हैं। अगर हम ये नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट की बात करें, जो कि वार्म करंट्स होती हैं, वो यहाँ से बहना स्टार्ट करती हैं। हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये अटलांटिक ओशन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से जो ओशन करंट्स पास होती हैं तो जब किसी भी ये लैंड मास से टकराती हैं तो इनकी करंट्स का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह से चेंज हो जाता है। आगे कोई लैंड मास होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना अपने डायरेक्शन को बदल लेंगी। अब यहाँ से वार्म करंट आ रही हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट से जब टकराएंगी तो इधर मूव हो जाएंगी। जब ये इधर जाती हैं तो इनको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। और यही करंट्स आगे बढ़ती हुई इधर इधर पहुँचती है नॉर्वे की साइड में, तो इनको कहते हैं नॉर्वेजियन करंट्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट की बात करें तो इस तरफ से जो वार्म करंट्स आ रही हैं वो अफ्रीका की जब लैंड मास से टकराती हैं तो इस तरफ मूव हो जाती हैं। मैंने कहा था कि जो वार्म करंट्स होती हैं वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूवमेंट उनका होता है। तो यहाँ पे इक्वेटर से देखिए यहाँ पे करंट्स आ रही हैं और जब इस लैंड मास से टकराएंगी तो वो इस तरफ से पोल की तरफ मूव कर जाएंगी। तो अफ्रीका वाले जो रीजन से टकराती हैं करंट्स और इनको कहते हैं अगुलहास करंट्स। इसी तरह से हम इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ भी मूवमेंट इनका देखिए, यहाँ पे इस मास से टकराती हैं और इस तरह से इंडिया की साइड में ये मूव हो जाती हैं और ये रहा इनका मूवमेंट। इधर भी देख लेते हैं, जापान की साइड में भी कुरोशियो, ये जो करंट्स इधर से पास हो रही हैं यहाँ पे टकराती हैं लैंड मास से तो ये इस तरफ इधर पोल की तरफ मूव हो जाती है, इनको कुरोशियो कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में जब ऑस्ट्रेलिया की इस मास से टकराती हैं करंट्स तो ये भी पोल की तरफ मूव करने लगती हैं, इनको कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट है, इसको हम कहेंगे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट्स।
तो ये हमने कुछ वार्म करंट्स को डिस्कस किया। ये मैंने समझाने के पर्पस से कुछ करंट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। और सिमिलरली हम यहाँ पे कोल्ड करंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो कोल्ड करंट की, जैसा मैंने कहा कि इक्वेटर की तरफ से मूव करना स्टार्ट करती हैं। वार्म करंट्स थी वो इक्वेटर से, इक्वेटर से नहीं, ये पोल की तरफ से मूव करना स्टार्ट करेंगी जो कोल्ड करंट्स हैं। वार्म करंट्स हमने पढ़ा कि इक्वेटर की तरफ से आती हैं और यहाँ पे किसी भी लाइन मास से टकरा करके और ये पोल की तरफ मूव कर जाती हैं। और यहाँ पे जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो पोलर रीजन से आना स्टार्ट करती हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं साउथ अमेरिका का जो ये पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ पे जो करंट आती है इसको हम हम्बोल्ट या पेरू करंट कहते हैं। और इस साइड से, नॉर्थ अमेरिका की साइड से जो पोलर रीजन से जो करंट आती हैं कैलिफोर्निया वाली साइड, इसको हम कैलिफोर्निया करंट कहते हैं। और इस साइड में हम देख लेते हैं यहाँ से भी कि करंट का फ्लो हो रहा है, ये लैब्राडोर है। इधर से कुछ करंट्स आ रही हैं, इस साइड से करंट बहते हुए इधर आ रही हैं, ये नॉर्दर्न अफ्रीका की साइड में, इसको हम कहते हैं कैनरी करंट्स। और साउथ अमेरिका का जो ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे एक करंट आती है, इसको हम फोकलैंड कहते हैं। और ये साउथ अफ्रीका का ये पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, यहाँ से बेंगवेला करंट फ्लो होती है। यहाँ पे हमने देखा कि इस तरफ से जो इक्वेटोरियल करंट आ रही थी, वार्म करंट्स आ रही थी, इनको कहते हैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट्स। और जो पोल की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पे फ्लो होती है, इनको कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स। और इस तरफ से ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे जापान के साइड से जो ऊपर की तरफ से करंट आती है पोल रीजन से, इनको कहते हैं ओयोशियो करंट्स। तो इनको याद करने की जो एक ट्रिक है, आप इस तरह से भी इसको लर्न कर सकते हैं कि आप इनमें से कोल्ड करंट्स को उठा लीजिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट कोल्ड करंट्स हैं। यहाँ पे जो भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, ये कोल्ड करंट्स हैं, इनका फ्लो होता है पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ। इन कोल्ड करंट्स को आप याद कर लेंगे और बाकियों को आप एलिमिनेट कर देंगे, जो बचती हैं वो आपकी हो जाएंगी वार्म करंट्स। तो इसको याद करने का आसान तरीका, हो सकता है कि इन सारे नामों में आप कन्फ्यूज हो जाए, तो कोल्ड करंट्स को आप अलग कर लीजिए, उनको आप लर्न कर लीजिए और जो बचेंगे वो आपके हो जाएंगे वार्म करंट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि कोल्ड करंट जो ओरिजिन उनका होता है वो होता है इक्वेटर से ओरिजिनेट होती हैं और किसी भी लैंड मास से टकराने के बाद ये पोल की तरफ मूव कर जाती हैं। और जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो पोलर रीजन से आती हैं, तो ये इनको हम कहते हैं कोल्ड करंट्स। और इनका जो मूवमेंट होता है वो इक्वेटर की साइड में होता है। और हम ये भी देखेंगे कि आप जहाँ भी कहीं भी देखें, जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट पे कोल्ड करंट का फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे कोल्ड करंट का फ्लो हो रहा है। कोल्ड करंट जहाँ पे होगा वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे ह्यूमिड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जब मॉइस्चर नहीं होगा एयर में, तो यहाँ पे बारिश के भी चांसेस कम हो जाते हैं। इस वजह से इन कोस्ट पे डिजर्ट्स पाए जाते हैं। ये वेस्टर्न कोस्ट हमारा ठंडा है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट का मूवमेंट होता है। कोल्ड करंट का मूवमेंट होगा, टेम्परेचर कम होगा, हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा और बारिश नहीं होगी। इस वजह से ये वाला रीजन जो होता है वो सूखा होता है, यहाँ पे डिजर्ट्स पाए जाते हैं। सेम यहाँ पे हम अफ्रीका का भी देख लेते हैं। अफ्रीका का जो ये साउदर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे बेंगवेला की कोल्ड करंट फ्लो होती हैं, तो इस रीज़न में भी मॉइस्चर नहीं होता है। तो जब एयर को मॉइस्चर नहीं होगा तो वहाँ पे बारिश की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे भी डिजर्ट्स पाए जाते हैं। सेम यहाँ पे सहारा डिजर्ट, ये भी आपने सुना होगा, तो कैनरी करंट यहाँ पे फ्लो होती हैं, इस रीज़न में बारिश नहीं हो पाती, तो यहाँ पे सहारा डिजर्ट पाए जाते हैं। सेम विथ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो वेस्टर्न कोस्ट में भी बारिश नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट का फ्लो होता है, हम्बोल्ट या पेरू करंट कहते हैं इसको। तो ये रीज़न भी हमारा सूखा होता है, ड्रॉट की सिचुएशन होती है और यहाँ पे डिजर्ट्स पाए जाते हैं। सेम विद दिस रीज़न, ये भी वेस्टर्न रीज़न है, कैलिफोर्निया करंट यहाँ पे फ्लो होती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे डिजर्ट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ रीजंस डिस्कस किए कि किस तरह से कोल्ड करंट और वार्म करंट की वजह से कहाँ पे बारिश होती है और कहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। आप इसको एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार आप रिपीट कर लीजिए इसको, मल्टीपल रिविजन करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।